हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम, जहाँ पर मैकार्थर वर्सेस न्यूकैसल जेट्स का मैच हो रहा है। दोपहर दो बजे भाई, दिन का पहला मैच मान लो या फिर दूसरा मान लो, क्योंकि 6 बजे सुबह भी था। तो मैकार्थर और जेट्स में अगर बात करें तो अभी सीज़न की शुरुआत है और मैकार्थर टीम पॉइंट टेबल पे टॉप पे है। पहला मैच ज़ोरदार तरीके से 6 गोल करे इन्होंने पहले मैच में, और जेट्स को लीड मतलब पहले नंबर पे चलेगी टीम, और न्यूकैसल जेट्स टॉप 5 में भी नहीं है। बट अभी शुरुआत है, अभी रैंकिंग का कोई बात करना बेकार है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, तो बात करें इस मैच की, तो आई एम फेवरिंग मैकार्थर, क्योंकि मेरे को न्यूकैसल जेट्स की भाई प्लेयर नहीं समझ में आ रहे यार। ये पिछली टीम पिछले साल भी नीचे थी, इस साल इन्होंने और बदलाव किए हैं, और इस बार और ज़्यादा बेकार बदलाव है जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से यार इस मैच में मैकार्थर को यार जीत जाना चाहिए आज भी। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर भाई वी जर्मेन एक जो प्लेयर है मैकार्थर का, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं एच इनका एक प्लेयर है हैरी सॉयर, पिछले मैच में था नहीं, तो लोगों ने जेकॉलिस को लिया एंड जेकॉलिस ने पिछले मैच में भाई 2 गोल 2 असिस्ट किए। इसकी हैट्रिक रह गई यार, इसकी हैट्रिक रह गई, मैं इतना जानता हूँ। इसने 4 शॉट ऑन टारगेट और लगाए थे, 1 भी गोल हो जाता कंसीड। तो आज पहले ओपनिंग मैच में 20 अक्टूबर को इसकी हैट्रिक आनी थी पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट, बस वो चीज़ से रह गया, नहीं तो मान गया भाई मैं इसको। मतलब ये जर्मेन और ये की जोड़ी अच्छी है, और हैरी सॉयर भी अगर अपनी फॉर्म में आ गया तो उसके लिए भी 1-2 गोल करना कुछ भी नहीं है, ये मैं अभी जानता हूँ। अब ऑपोजिशन टीम देखो, ये क्या क्या उतारी है इन्होंने लाइनअप्स, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। ए बेन गिब्सन वगैरह यार, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बेकार प्लेयर खिलवा रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सिर्फ इनकी टीम में विडिक अच्छा है, सिर्फ जस्टिन विडिक अच्छा है इनकी टीम, क्या इनकी स्ट्राइकिंग में, और विडिक का 1 असिस्ट आएगा तो बढ़िया, लेकिन रिस्क है भाई हर चीज़ में, हर प्लेयर पे रिस्क है इनकी टीम में लेना, कि अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा इनके ऊपर। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में जे हॉलमैन ने पहले मैच में ही भाई, पहले मैच में 1 गोल 3 असिस्ट किया, ठीक है, जो कि एक अच्छा था, मतलब एक फर्स्ट मैच के बिहाफ पे बहुत ही तगड़ा था। और जे ड्र्यू की बात करूँ तो ड्र्यू तो लेना ज़रूर, छोटी टीम्स के अगेंस्ट ड्र्यू चलता ही चलता है, और आज भी सामने छोटी टीम है। बाकी एल ब्रेटन वगैरह तो मैंने पिछले मैच में भी ट्राई नहीं किए थे। ऑपोजिशन टीम में है के ग्रोजोस और टी एक्यूलिना, ये दोनों बहुत अच्छा करते हैं, हालांकि ये विडिक से भी अच्छा खेल रहे हैं दोनों। ग्रोजोस फ्री के पॉइंट बहुत देता है, बिना गोल बिना असिस्ट के अच्छे खासे पॉइंट, और टी एक्यूलिना को तो आप जानती हो, ही कैन डू एनीथिंग इन मैच। उसके बाद अगर डिफेंडिंग की बात करें, टी उस कॉक के बाद एम जुर्मन, के एडमसन वैसे अच्छा, लेकिन 5 डिफेंडर होते तो मैं लेता, लेकिन अगर 4 खेलेंगे तो मेरी नज़र पहले जाएगी वुजिका पर। उसके बाद अगर मैं गोलकीपिंग की बात करूँ, देन आर स्कॉट के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। कप्तान की बात करूँ, माय कैप्टन वाज एम जे कॉलिस, वाइस कैप्टन वाज हॉलमैन। बाकी अगर आप चाहो तो इस कॉम्बिनेशन को रिवर्स भी कर सकते हो, आप अपना कप्तान रख सकते हो जे कॉलिस हॉलमैन को, और अपना वाइस कप्तान रख सकते हो जे कॉलिस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।